हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे और मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी होली। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करने जा रही हूँ। सोचा कि क्यों नहीं आप लोग से भी मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि आप भी तो मेरे फैमिली की तरह हो। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, तो आप लोग से यही कहना था मुझे। और इधर मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि ये होली का है वीडियो बनाया हुआ। तो मैंने सोचा चलो, इतने दिनों से है ना मैंने कोई भी वीडियो है ना अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो इधर आज मैं बनाऊंगी पनीर की रेसिपी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पनीर को मैंने पहले से ही फ्राई कर लिया है, अब इसकी ग्रेवी मैं बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने तेल को गर्म कर लिया है और इसमें जीरा ऐड किया है, ग्रीन चिल्ली ऐड किया है, रेड चिल्ली ऐड किया है, तेज पत्ता ऐड किया। और ये वीडियो है ना आप लोग के पास काफ़ी लेट से पहुंच रहा होगा, तो इसके लिए सॉरी। क्योंकि है ना हमारी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, होली के बाद से है ना कुछ तबीयत हमारी ठीक नहीं है, तो इसलिए कोई भी है ना ब्लॉग में बना नहीं रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं इसे भी ऐड कर देती हूँ। और इसमें है मैंने पहले से है ना 3 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, तो उसका मैंने पेस्ट बना लिया है और इसे भी ऐड कर लिया है। और इसे अच्छी तरह से इसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। और टमाटर का भी मैंने पेस्ट बना कर रख लिया है। तो इसमें सारे मसाले मैं ऐड कर रही हूँ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, और स्वाद के अनुसार मैं नमक इसमें ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। और इसमें मैंने डाला है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें मैंने 3 टमाटर लिया था, तो उसका भी है ना पेस्ट बना लिया था, तो उसे भी मैंने ऐड कर दिया है। तो सारे मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसे धीरे धीरे इसी तरह से चलाती रहूँगी। और आप लोग कैसे हो तो बताना ज़रूर। और मैंने इसमें सारे मसाले को ऐड कर दिया है और इसे धीरे धीरे इसी तरह से मैं चलाती रहूँगी। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि होली का कुछ इसमें है ना छूटा हुआ था, तो वो मैंने ऐड किया है। और इसके अलावा है ना जैसा कि मैंने बताया कि हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए कोई भी है ना आप समझ सकते हो कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी तो आप कोई भी है ना ब्लॉग नहीं बना सकते हो। चाहे है ना हमेशा कैमरा को है ना लेकर है ना बैठो कि ये शूट करना है वो शूट करना है, मगर हो ही नहीं पाता है। तो इधर हमारा मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है धीरे धीरे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इसका मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा ग्रेवी का, तो है ना पनीर इसमें मैं ऐड करूँगी। तो अच्छी तरह से इसे मैं धीरे धीरे यूं ही चला लेती हूँ। और इसे जब तक इसका तेल ऊपर नज़र नहीं आ जाता, जब तक मुझे इसी तरह से धीरे धीरे चलाते रहना होगा। और आप लोग से यही कह रही थी, इसका मसाला अच्छी तरह से फ्राई है ना 2-3 मिनट में हो जाएगा। तो 2-3 मिनट तक इसी तरह से मैं यूं ही चलाती रहूँगी और इसे अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद इसमें पनीर को अच्छी तरह से मैं ऐड करूँगी। तो अभी मसाले थोड़े से और पकेंगे, तो इसे मैं धीरे धीरे इसी तरह से यूं ही चलाती रहूँगी। तो इसमें मैंने पनीर को है ना मसाला ग्रेवी ही वाला मैंने बनाया है, तो इसे ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे लाइट चली गई थी, इसी वजह से मैं दिखा नहीं पाई। और इधर हमारा रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और इसे मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो काफ़ी टेस्टी बना था और खाने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो इसी तरह से मैं बनाकर इसे निकाल लिया है। और एक तरफ मैं क्या करूँगी, इसके साथ पूड़ियाँ भी बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने आटा अच्छी तरह से है ना पहले से मैश कर अच्छी तरह से इसे रेस्ट लेने के लिए 15-20 मिनट तक मैंने छोड़ दिया था। और इसे एक एक कर सबसे पहले मैं बेल लूँगी और एक प्लेट में रखती जाऊँगी धीरे धीरे, क्योंकि है ना क्या होता है मेरे लिए आसानी यही होता है कि मैं सबसे पहले है ना पूड़ियाँ जब भी बनाती हूँ तो सबसे पहले इसे है ना बेल
एक एक बर्तन में रख लेती हूँ और फिर उसे मैं फ्राई करती हूँ धीरे धीरे। तो आटा में मैंने डाला है, मंगरेला डाला है, अजवाइन डाला है और हींग डाला है और मेथी पाउडर डाला है, तो ओरिफैन डाला है स्वाद के अनुसार। इसमें नमक ऐड किया था और अच्छी तरह से आटे को मैंने मैश कर कर रख लिया था, क्योंकि हमारा आटा जब तक अच्छा ही तरह से मैश हो जाएगा और इसे 15-20 मिनट तक, जैसे कि मैंने बताया कि रेस्ट लेने के छोड़ने के बाद है ना, ये आटा सॉफ्ट हो जाता है और पूड़ियाँ खिली खिली बनती है इसी तरह से। तो पूड़ी को मैं एक एक कर कर यूँ बेल लिया है और रख लिया है। तो अब सोच रही हूँ अभी से मैं फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक बार है ना बहुत ज़्यादा बेल लिए और उसके बाद छाने तो अच्छी तरह से फूलेगी भी नहीं, थोड़ा थोड़ा कर कर। और इसे देखिए रिफाइंड को अच्छी तरह से मैंने गरम कर लिया है और एक एक कर कर इसे मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये वीडियो है ना होली के बाद का है, तो जैसे कि गेस्ट लोग बाद में आते हैं तो वो हमसे मिलने आते हैं, तभी मैंने उस दिन बनाया था। और जितना होली का है ना, जितना भी मैंने ब्लॉग बनाया था, सब मेरा वीडियो जा चुका है और ये बात का है, तो ये बाकी था। तो एक एक पूरी मैंने धीरे धीरे फ्राई कर लूँगी और इसी तरह से बनाती रहूँगी। तो ये वीडियो आप लोग के यहाँ कब पहुँचेगा ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि थोड़ी हमारी तबीयत ठीक नहीं है जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो इसके लिए आप लोग को मेरी तरफ से सॉरी, पर ये वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इधर हमारी पूड़ियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं और इसे मैं धीरे धीरे इसी तरह से फ्राई करती रहूँगी। तो हमारा रेसिपी बनकर तैयार भी हो गया पनीर का और उसके साथ पूड़ी बना है, तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो इसी तरह और आप लोग इसी तरह हमारा चैनल देखते जाइएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोग हमेशा हमारा चैनल देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद मैंने पूजा कर लिया है, तो इस शाम का समय का है, तो इस शाम में है ना हमारे यहाँ रोज़ इसी तरह से श्रृंगार होता है, तो सुबह में होता है और शाम में जब आरती होती है तो इसी तरह से श्रृंगार होता है। तो हम लोग के यहाँ रोज़ आरती होती है। तो आप लोग को कैसा लगा आज का वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और भगवान जी से यही दुआ करती हूँ कि जो ये वायरस आया है तो वो अच्छी तरह से है ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से फिर से है ना ये दोबारा आया है और कहीं जा नहीं पा रही हूँ ना निकल नहीं पा रही हूँ। तो मैं मिलती हूँ कोई अच्छे वीडियो में अगली बार। तो बाय। हाँ भाई जितना